हाई एवरी वन वेलकम टू कर तो इस वीडियो की मुझे काफी क्वेरीज आ रही थी कि मैं कैसे रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें हम थोड़ा बुक लिस्ट एंड ऑल मैं आपको बताऊँ क्या होता है तो जो क्वेज का सिलेबस है एंड इसका एग्जाम एक, पैटर्न है वो ऑलरेडी मैंने आपको उसका वीडियो दिया हुआ है जो आपको मेरी प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा जेके एस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी चैनल पे ठीक है तो जो आज मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं अभी रिसेंटली मैंने सुपरवाइजर का एग्जाम जो है उसका स्पेशलाइजेशन का पोर्शन प्लस हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला पोर्शन आपका करवाया हुआ है एंड आप कॉमेंट uh, सेक्शन में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना फायदा हुआ है एंड जो स्टूडेंट्स मेरे साथ रेगुलरली इन टच थे एंड uh, जिन्होंने मेरे सारी सिलेबस प्लस मैराथन एंड एमसीक्यू सीरीज सब कुछ देखा हुआ है मेजोरिटी उनमें से एटी अराउंड स्कोर कर रहे हैं ठीक है तो ये सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अपना दैट इज योर के एस एग्जाम एंड योर एन टी एग्जाम ठीक है तो प्रिपरेशन हम ऐसे स्टार्ट करेंगे जहां से आपका केस एंड एन टी दोनों हो जाए दैट मींस लेवल हाई होगी जिसमें से आपका नाइफ तहसीलदार वाला एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा अब आपको ऐसा क्यों करना पड़ेगा देखो स्टूडेंट्स आपको अपना जो पोटेंशियल uh, है या अपनी केपेबिलिटी है वो भी आपको एनहैंस करनी होगी क्योंकि ये मान लो जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे एन एग्जाम में वो आपके मेजरली वही होंगे जिन्होंने के होंगे, होंगे, के मेन्स दिए होंगे के इंटरव्यू ड्रॉपीज होंगे इवन यूपीएससी के मेन्स ड्रॉपीज इंटरव्यू ड्रॉपीज भी हो सकते हैं फाइन इसीलिए कंपटीशन कट थ्रोट है तो आपको भी सिर्फ एन की तैयारी नहीं रखनी है तैयारी आपको के की करनी है जिसमें से आपका एन का एग्जाम निकल जाएगा फाइन ये पहली बात एंड आज का वीडियो लाने का मकसद क्या था ताकि आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें नोटिफिकेशन इस मंथ नेक्स्ट मंथ या उसके बाद आ ही जाएगी एंड नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है टाइम कम मिलता है आपने सुपरवाइजर एग्जाम में देखा फिर उन्होंने एकदम से आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया ठीक है तो इस वजह से आपको क्या करना होगा इतना तो हमें पता है पोस्ट आएंगी एन की भी आने वाली है के की भी आने वाली है तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से स्टार्ट करनी है फाइन तो हम स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस जर्नी मैं इसमें आपके साथ हूँ जब तक आप फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए आपकी और आप एक एंटी ऑफिसर या आप के एस ऑफिसर ना बन जाए ठीक है तो मेरे बारे में मैंने आपको बताया करण क्रांच मेरा सुपरवाइजर एग्जाम अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया मैंने एंड आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग मैं छह प्लस सिक्स प्लस ईयर से पढ़ा रही हूँ आई एम एन इंजीनियर नेट क्वालिफायर इन सोशलॉजी रिसर्च स्कॉलर इन सोशलॉजी एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टडी आई क्यू एंड एन अकेडमी स्टडी आई क्यू का जो पेन ड्राइव यूपीएससी एस का कोर्स है वो मैंने ही करवाया हुआ है ठीक है एंड प्लस अगर आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो आपके लिए चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि मैंने यूपीएससी सोशोलॉजी ऑप्शनल अपनी चैनल पर कंप्लीट करवाया है ऑलमोस्ट जिसमें हमने नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी के जो वीडियोज़ हैं पेपर ए के वो पूरे किए हैं एंड पेपर बी के बस कुछ ही चैप्टर्स रहते हैं लास्ट के चार चैप्टर्स रहते हैं तो नितिन सांगवान सर की बुक जो एक आ, काफी अच्छी बुक कॉम्प्रिहेंसिव बुक मानी जाती है यूपीएससी सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए एंड आपके के एस के सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी तो वो हमारी कंप्लीट हो गई है एंड इस ऑप्शनल में मैं और भी चीजें लेके आऊंगी ठीक है तो मुझे काफी क्वेरीज नेट से रिलेटेड भी आती है कि मैं नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी क्या एंड ऑल दैट तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको सब्सक्राइब करना होगा नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना होगा कभी भी मैं जो नेट एग्जाम है उसकी बुक लिस्ट वगैरह उसके भी वीडियो आपको दे दूंगी ठीक है तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट ऑफ के एस से दिस इज फॉर बोथ के एस एंड आई एस जो भी यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होगा पहले हम जनरल स्टडीज वन से स्टार्ट करते हैं जीएस वन सिलेबस हमने देखा हुआ है जिसने वो वीडियो नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स uh, में वो लिंक पेस्ट कर दूंगी उसकी ठीक है तो आपको क्या करना है वहां से आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस वाला वीडियो पहले देखें फिर मैं आपको बुक लिस्ट बताती हूँ तो पहला है हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर ठीक है तो ये इंडियन कल्चर हेरिटेज आपका एंटी का पार्ट भी आएगा जब उसका सिलेबस आएगा एंटी का आई थिंक ये भी उसमें इंक्लूडेड होगा ठीक है जैसे कि आपके पटवारी एग्जाम में भी है तो आपको ये ठीक से प्रिपेयर करना होगा जिससे आपका आई एस के एस एंड एन टी तीनों हो जाए तो इसमें आप कौन सी बुक फॉलो करेंगे क्लास इलेवेंथ एनसीआरटी ठीक है आपको कोई बुक नहीं लेनी है अगर आपके पास लैपटॉप या टैब है पढ़ने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है फिर जिसके पास ये चीजें नहीं है फोन से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके वो इसका जेरोक्स वगैरह ले सकता है आई देखिए सोलेना में है वो अब मुझे याद नहीं है वो जेरोक्स शॉप का नाम नहीं मुझे याद आ रहा वहां से आपको मेजोरिटी जितने भी पी डी हैं उनका जेरोक्स मिल जाता है ठीक तो है तो क्लास इलेवेंथ के एनसीईआरटी एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ठीक है और अभी भी एंशंट एंड मिडीवल इंडियन एनसीआर हैं ठीक है उसमें जो भी आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड आता है आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड तो एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवियल हिस्ट्री जो एनसीआर है उसमें जो आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड चीजें होंगी वो भी आपको कवर करनी होगी ठीक है तो मैं इसमें क्या करूंगी अपने कोर्स में एक तो आपको जो फ्री कंटेंट यूट्यूब पर मिल रहा है प्लस वो मिलेगा लेकिन इसमें आई हैव थॉट कि मैं थोड़ा इसको प्रोफेशनल वे में लाऊं और एनहांस करूं चीजें जैसे कुछ चीजें आपकी पेड हो ठीक है क्योंकि जैसे हमने सुपरवाइजर कवर करवाया वैसे केस कवर करवाना ऐसे पॉसिबल नहीं है उसके लिए कुछ कमिटमेंट मुझे भी आपको देनी पड़ेगी जो मैं फ्री में नहीं दे सकती ऑब्वियसली एंड कुछ कमिटमेंट आपको भी दिखानी होगी जो तब दिखाओगे अगर आपने पेमेंट की होगी ठीक है तो कुछ चीजें हमारी पेड रहेंगी जैसे आपका आंसर राइटिंग सेशन होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वन वन ऑन इंटरक्शन होगा ठीक है फिर कोई आपको रिव्यूज आंसर राइटिंग पे देने होंगे तो उसके लिए हमें कॉल टाइम रखेंगे जो मैं आपको उसके रिव्यूज वगैरह उसमें दे दूंगी हम ऑन कॉल भी वो कर सकते हैं पे कर सकते हैं या जूम क्लासेस पे भी कर सकते हैं तो कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होंगे जो पेड होंगे प्लस जो कंटेंट है उसका फ्री वीडियो जो है वो यूट्यूब पे आता रहेगा सिलेबस में यूट्यूब पे कवर करवाऊंगी लेकिन अगर आपको ज्यादा फायदा लेना है क्योंकि के uh, एस और आई एस क्वालिफाई करने के लिए आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपके लिए कुछ पेमेंट आपको करनी होगी ठीक है तो वो सारी चीजें पेड रहेंगी प्लस जब आप ये यहाँ से थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया होगा एनसीआरटी वगैरह तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होंगी प्लस मैं पेड कोर्स में आपको कंटेंट पीडीएफ वगैरह वो सारी चीजें भी प्रोवाइड करवा दूंगी ठीक है तो वो कैसे क्या मॉड्यूल होगा उसका फ्रेमवर्क मैं अभी बना रही हूँ वो मैं आपको नोटिफाई करूंगी जब मेरी आ, अपनी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ठीक तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको क्या लेना होगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की ठीक है एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर आपको चंद्र बुक लेनी होगी इसके लिए यू कैन रीड सिलेक्टिवली फॉर टॉपिक्स नॉट कवर्ड इन द स्पेक्ट्रम बुक ठीक है तो इससे क्या होगा आपको स्टार्टिंग का आपको सिर्फ आइडिया लेना है बाकी आपको फिर मेरे वीडियोस देखने हैं एंड जो मेरा वो मॉड्यूल परचेज करेगा उसको मैं कुछ पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगी एंशियट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीआरटी बाय आर एस शर्मा मिडीविल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए ओल्ड एनसीआरटी बाय सतीश चंद्र इसकी आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी होगी ठीक है ये जो खास करी बुक लिस्ट है ये उनके लिए जो नहीं जो पेड पेड कोर्स कोर्स नहीं लेंगे लेंगे उसमें मैं आपको काफी कंटेंट जो है मोस्टली आपके सिलेबस के रिगार्डिंग आपको वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया मैंने आपको हो गया कवर उसके बाद फिर मैं आपको ये एसआर फॉलो करनी होंगी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जॉोग्रफी इलेवंथ एनसीआर इंडिया में फिजिकल एनवायरनमेंट इलेवेंथ एनसीआर फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्रफी ट्वेल्थ एनसीआर इंडिया पीपल एनसीआर और एक जैसी लियांग की छोटी बुक आती है जिसमें कुछ फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्रफी जो है वहाँ से कवर करते हैं प्लस प्लसआईएस जो है इसकी वेबसाइट वहां से जाके आप कुछ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं टॉपिक्स की आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं फिर वर्ल्ड हिस्ट्री इसकी जो बुक है वो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अभी वहां से आप आ, जो है वर्ल्ड हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं फिर इंडियन सोसाइटी की कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं आती तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे जो यूट्यूब वीडियोज है आप उतना ही फॉलो करो इंडियन सोसाइटी तो आपके लिए कवर हो जाएगा फिर पॉलिटी गवर्न सोशल जस्टिस आप लक्ष्मीकांत सर की लेटेस्ट एडिशन से कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए आता है आपको द हिंदू पढ़ना है ठीक है एंड सिविल्स डेली वेबसाइट प्लस फोरम आई ये दो तो वेबसाइट से या विजन आई एस वहां से आप अपना करंट अफेयर्स मटेरियल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो मैं लिंक उसकी पेस्ट कर दूंगी वहां से आप बायलेटरल रिलेशन पहले पढ़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना ठीक है इंडिया चाइना का कुछ आपस में इशू चल रहा है तो उसका क्वेश्चन आ सकता है जीएस में आपको आपको फाइन तो वो वो क्या इशू चल रहा है करंट से कवर हो जाएगा लेकिन आपको अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग के लिए इंडिया चाइना का कैसा रिलेशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट वो पता होना चाहिए तो जैसे मेजर कंट्रीज है जिनसे इंडिया का कुछ ना कुछ तालमेल होता रहता है उनके बायलेटरल रिलेशन आपको पता होने चाहिए प्लस आपको इसमें करंट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी पढ़ना होगा के एस में भी एंड आई एस में भी इसमें करंट से ही क्वेश्चन आता है कि करंटली कोई इंडिया ने इजिप्ट के साथ कुछ किया फॉर एग्जांपल या इंडिया ने ईरान के साथ कुछ किया तो वहां से आप करंट का अपना आंसर लिख सकते हो लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंडिया ईरान का कैसा रिलेशन है ठीक है तो वो किससे कवर हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन से फिर जी एस थ्री इकोनॉमी तो इकॉनमी में आप लेंगे इंडियन इकॉनमी आर्टिकल्स देख सकते हैं सर के बहुत अच्छे टीचर हैं उनके आर्टिकल्स प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीआरटी इलेवें ठीक है बजट किसी भी कोचिंग मेटीरियल कंपाइलेशन लेकर जब बजट आएगा अभी की बात नहीं है ये इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा उसका जस्ट ये आप कोचिंग सेंटर कोई भी कोचिंग सेंटर जो है जिसमें विजन आइस वगैरह ये अपना एक एग्जिस्ट प्रोवाइड करते हैं वहां से आप वो ले सकते हैं ये फिलहाल के लिए नहीं है ये जब इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आता है आपका ये तब की बात है ठीक है तो ये हो गया इसका स्टैटिक क्वेश्चन अब देखो अब आप सोचोगे के एस के लिए इतना नहीं पढ़ना हम आई थोड़ी प्रिपेयर करें मैंने आपको सुपरवाइजर में भी कहा था आपको खुद को इन्हांस करना होगा ये सोच के कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आई लेवल का है ठीक है एस एस बी में भी क्या हो रहा है बच्चों के साथ मेजरली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके 85 या 90 स्कोर भी आ रहे हैं वो मेजरली वो हैं जो के एस का मेन्स दे चुके हैं या के एस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनका एसएसबी इसमें आराम से हो गया अब के एस का भी यही मान लो अगर आप सिंपल दिमाग में रखोगे नहीं के एस उतना हाई लेवल का नहीं पूछेगा तो आप कम पढ़ोगे लेकिन जो आपका कॉम्पिटिशन है जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आईएस लेवल का पढ़ रहा होगा तो उसके वो आंसर्स में झलकेगा ठीक है तो आपको किस बॉडी कौन सी बॉडी एग्जाम कंडक्ट कर रही है ये नहीं सोचना है आपको रादर ये सोचना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना हाईली प्रिपेयर हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा कट थ्रोट है इसीलिए आपको भी अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा तभी मैं सेपरेट बुक लिस्ट आपको बता रही हूँ फिर इंडियन कल्चर लैंड रिफॉर्म्स पीडीएस फूड प्रोसेस जो होगा उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके सिक्योरिटी के लिए आप क्या करोगे हिंदू एंड सिविल्स डेली करंट अफेयर्स सिक्योरिटी में भी मेजरली कौन सी चीजें आती हैं आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड आती हैं फिर कुछ टर्म्स हैं जो आपको सिलेबस में है जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा लूंगी एंड पेड मॉड्यूल में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पेड मॉड्यूल में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा क्योंकि इन चीजों की वो पर्टिकुलर बुक्स नहीं आती इनसे पॉलिटिक आप लक्ष्मीकांत ले लो ठीक है या इकोनमी की रमेश सिंह ले लो वैसे ही तो इसका मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ पेड मॉड्यूल में एंड बाकी जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे ठीक है इसमें आपको जो भी uh... कीवर्ड प्रेजेंट होता है सिलेबस में उसका आपके पास नोट होना चाहिए वो आपने पढ़ा होना चाहिए फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इसके लिए स्टैंडर्ड बुक है शंकर आयस बुक तो एक काफी अच्छी बुक है इससे आपको जो बेसिक्स हैं सारे एनवायरमेंट इकोलॉजी के वो कवर हो जाएंगे प्लस फिर जो करंट चल रहा होगा वो तो है ही करंट आपको जीएस में साथ साथ रखना ही है इसीलिए हिंदू पढ़ना आप स्टार्ट कर दो एंड अगर आपको खुद से नहीं पढ़ा जाता तो यूट्यूब uh, पे आप वीर तल्याण सर देख सकते हो वीर तल्याण ये जो है द हिंदू एनालिसिस डेली अपले अपलोड करते हैं काफी अच्छा इनका हिंदू एनालिसिस होता है तो आप वहां से उनका हिंदू एनालिसिस देख सकते हो ठीक है इनका स्टडी वीर इनके चैनल का नाम है तो पहले स्टडी आईक्यू में पढ़ाते थे पर फिर इन्हें छोड़ दिया था ना अपनी चैनल स्टार्ट करी थी शंकर आयस बुक ठीक है तो दोस्तों वॉन्ड्री की मैंने कहाँ से पढ़ा है शंकर से मुझे याद है कि मैं आपको बता दू मैंने शंकर आयस अकेडमी से ही पढ़ा है एंड अनफॉर्चुनेटली जब मैं वहां पढ़ रही थी तब तो जो शंकर सर है जिनकी अकेडमी है तो इन्होंने तब सुसाइड भी कर लिया था तो ही इज करंटली नो मोर लेकिन काफी अच्छी अकेडमी है और उन्ही की ये बुक है शंकर आयस बुक साइंस एंड टेक ये आप द हिंदू से कवर करोगे विजन मेन्स 365 ठीक है ये विजन मेन आई एस मेन्स थ्री ये आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो इसमें क्या करना है आपको साइंस एंड टेक वाला जो ये होगा उनका फोल्डर बना हुआ बना हुआ होगा तो वो आप साइंस एंड टेक का डाउनलोड करोगे पिछले पूरे साल में साइंस एंड टेक में क्या हुआ है कंट्री में वहां से आप वो सारी चीजें देख सकते हो और यूट्यूब कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब का यूज जो है एक्सटेंसिवली करेंगे जैसे आपको अभी तक क्रिप्टो करेंसी नहीं पता क्या है बिटकॉइंस नहीं पता ठीक है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक टेक्नोलॉजी नहीं पता है तो ये सारी चीजों के लिए यूट्यूब को एक्सटेंसिवली यूज करना प्लस अब आप चार्ट जीपी भी यूज कर सकते हो ऑल्दो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हूँ ये यूज करने से फैक्चुअल चीजों के लिए चार्ट जीपी आप यूज नहीं कर सकते हो बट देन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई एक आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो पैराग्राफ आप कॉपी कर सकते हो जीपीटी में चार जीपीटी में एंड वो आपको सिंप्लीफाई करके चीजें बताता है ठीक है फिर आ गया फोर जिसको हम एथिक्स बोलते हैं जो हाईली स्कोरिंग होता है फाइन उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए सेकेंड एआरसी रिपोर्ट आती है उससे यूजली एथिक्स कंप्लीट किया जाता है एंड विजन आई का डॉक्यूमेंट आता है विजन आई का ठीक है आईकेस वो फ्री आपको पीडीएफ मिल जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी वो विजन आय आए, आयस का एथिक्स का तो वहां से आप वो जो एथिक्स का सिलेबस है अपना वो कवर कर सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विजन आयस नोट्स एंड uh, एथिक्स में हमें कुछ थिंकर्स भी पढ़ने होते हैं तो वो आप गूगल से कर सकते हैं ठीक है गूगल से सीधे आप उन थिंकर्स के बारे में uh, जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि थिंकर रिलेटेड क्वेश्चन जो है एथिक्स में आते हैं मेजरली हमारा जो रहेगा मैं आपको जीएस वन टू थ्री एंड सोशोलॉजी ऑप्शनल हमारा चलेगा ठीक है ना स्टार्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट से करते हैं जिससे आपका जो आपके एंटी एग्जाम के भी रिलेटेड होगा फाइन तो आपके एंटी एंड के एस दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो आपको क्या करना है आपको जो एक्स्ट्रा चीजें पेड मॉड्यूल में मिलेंगी वो आपको लेना है एंड अगर पेड मॉड्यूल मॉड्यूल नहीं लेना चाहते हैं जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ वीडियोस वहां से आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना के जो है फॉलो कर सकते हैं ठीक तो, uh, है तो मिलते हैं नए वीडियो में आई गेस एक दो दिन तक हम अपना के एस या एन टी दोनों का ये कंबाइन जो है वीडियोस मैं एक दो दिन तक स्टार्ट कर लूंगी ठीक है तो जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ये वीडियोज देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ऑल द बेस्ट गाइज फॉर यूर रिजल्ट जो अभी वेट कर रहे हैं सुपरवाइजर के एग्जाम के रिजल्ट का एंड मिलते हैं नए वीडियो में बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे